आप हमारे निगम के, आप यहाँ के चांदनी चौक क्षेत्र के निगम पार्षद हैं और जो है जनता से जुड़े हुए हैं और बड़ा काम करते हैं, और इस मंदिर में आज जो है आप भी योगदान देने आए हैं, आप मंदिर के बारे में कुछ बोलेंगे? भाई बहुत प्राचीन ये मंदिर है, बचपन से मेरा यहाँ आना रहा है जी, और यहाँ पूजा अर्चना शुरू से होती रही है, लोगों की बड़ी आस्था यहाँ के क्षेत्र निवासियों की थी, जैसा कि लोगों की भावनाएं थी यहाँ के जो निवासी हैं उन भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए सुशील जी ने इसका जीर्णोद्धार सबके सहयोग से कराया, और आपके सामने भव्य मंदिर है और सभी मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई हैं, लोगों की बहुत आस्था है, लोग यहाँ लगातार पूजा करके अपने व्यापार में जाते हैं जी। धन्यवाद भाई, आप कुछ विशेषता बता रहे थे? विशेषता ये है जी, जो शिव परिवार जहाँ बैठा है जी जी, वहाँ उसके नीचे 25 फुट गहरा नीचे बोरिंग वेल से करा गया, जो पवित्र जल है ना, जल गंगा जल जो भी इसमें चढ़ेगा वो नाली में नहीं बहेगा, पृथ्वी माता की गोद में और पीपल देव जी को। मतलब कहने का ये है कि अक्सर इल्जाम लगाया जाता है कि दूध वेस्ट जा रहा है, दूध का नुकसान हो रहा है, तो इन्होंने पहले से ही उसका इंतजाम किया है कि इन्होंने उसकी 25 फीट, हाँ जी 25 फीट गहराई में इन्होंने बोरिंग कराया हुआ है, तो सारा का सारा जो भी जल दूध चढ़ेगा वो सारा का सारा जमीन के अंदर ही चला जाएगा जी। धन्यवाद।